हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के सामने क्लास सिक्स चैप्टर्स टू एक्सरसाइज 2.2 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जिसमें हमारे क्वेश्चन फर्स्ट हमारा हेडिंग है फाइंड द सम्स बाय सूटेबल रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो आप लोगों को क्वेश्चन में जो दिया होगा उसे आपको सूटेबल रीअरेंजमेंट करना है। मीन्स किस प्रकार से वो एक दूसरे के साथ रीअरेंजमेंट हो जाएंगे। मीन्स जैसे कि मैं आप लोगों को एग्जाम्पल एक से समझा दूं बच्चों, जैसे कि यहाँ पर ठीक है, मान लीजिए आपका कोई क्वेश्चन ऐसे करके दिया गया है, जैसे यहाँ पे राइट हुआ हो 5, उसके बाद आपका हो यहाँ पे सपोज 4 और यहाँ पे आपका हो 5। तो सबसे पहले रीअरेंजमेंट का मीनिंग क्या होता है, मीन्स इस प्रकार के डिजिट को प्लस करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर प्लस के फॉर्म में दिया है तो प्लस ही करेंगे, कि इस प्रकार के डिजिट से प्लस के फॉर्म में करना है, जिससे जो आपके डिजिट होगा जिसका प्लस होगा वो हमारे सपोज 10 हो। ठीक है, मीन्स यहाँ पे आपका 0 सेट होता हो। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे 5 लिखा हो, 4 लिखा है और 5 लिखा है, तो 5 को हम 4 के साथ प्लस करते तो आपका 9 होता है। मीन्स यहाँ पे आपका 0 आया नहीं बच्चों। तो यहाँ पे देखिए 5 को अगर 5 के साथ करूंगा तो बच्चों क्या आ जाएगा आपका 10। मीन्स ये जो आपका होगा 10 ये रीअरेंजमेंट के फॉर्म में हो जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे हम बच्चों, जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे, पहले हम लिख देंगे 4, ठीक है, जो यहाँ से उठा लेंगे, फिर प्लस, उसके बाद यहाँ पर 5 लेंगे हम और यहाँ से 5 लेंगे, 5 प्लस 5। तो आपको पता है 5 और 5 हमारा बच्चों होता क्या है 10। मीन्स मैंने आपको कहा ना कि डिजिट को ऐसे डिजिटों को प्लस करना है जिससे आपको 0 के फॉर्म में आता हो। मीन्स फर्स्ट डिजिट जो होती हो आपकी 0 के फॉर्म में बन जाती हो। तो यहाँ पे देखिए 4 प्लस, अब यहाँ पे देखिए 5 और 5 आपका क्या हो जाएगा बच्चों 10, तो जिससे आपका आंसर आ जाएगा 14। कुछ बच्चे ऐसे भी बोलेंगे सर हम डायरेक्टली प्लस कर दे 5 प्लस 4, जैसे कोई बच्चे ऐसे कह सकते हैं कि सर 5 प्लस 4 प्लस 5 कर दीजिए ना, बात तो वही है, देखिए 9 प्लस 5, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 14। बट ये क्या है बच्चों आपका रॉन्ग है, ये आपका क्या है रॉन्ग है। सूटेबल रीअरेंजमेंट का मीनिंग ये यही होता है कि कोई भी 2 डिजिट लीजिए जिससे आपका फॉर्म जो हो वो 0 के फॉर्म में बनता हो, 10 नहीं 0 के फॉर्म में। मीन्स फर्स्ट डिजिट जो होगी वो आपकी यूनिट प्लेस 0 बन जाता हो। समझ में आया, जैसे कि क्वेश्चन 2 से भी एक्सप्लेन मैं करता हूँ बच्चों आपको, ठीक है, स्मॉल डिजिट से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे आपका राइट हो 62 बच्चों, क्या राइट हो 62, फिर उसके बाद क्वेश्चन में आप लोगों का लिखा हो यहाँ पे 44 और उसके बाद आप लोगों का यहाँ पे बच्चों 38 हो। तो इससे भी हमें कैसे समझना है, तो देखिए फर्स्ट यूनिट को प्लस कीजिए, बस यूनिट प्लस, जैसे यहाँ पे 2 है, 2 को 4 के साथ प्लस करेंगे तो 2 को 4 के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा 6, मतलब ये आपका सेट होगा नहीं इसके साथ। उसके बाद देखिए 2 को 8 के साथ कीजिए, 2 को 8 के साथ, तो 2 और 8 को प्लस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 10। मीन्स हमारा यूनिट प्लेस क्या आ गया बच्चों 0 आ गया। मीन्स फर्स्ट डिजिट को हम लास्ट डिजिट के साथ क्या कर सकते हैं प्लस कर सकते हैं साथ में। तो हम लिख रहे हैं बच्चों, पहले लिख देंगे 44 क्योंकि ये सेट हो नहीं रही है, प्लस उसके बाद लिखेंगे 62 प्लस 38। तो देखिए 44 ये हो गया बच्चों प्लस, अब 2 और 8 आपका क्या हो गया 10, यहाँ पे कर लेते हैं चलिए 62 प्लस 38। तो देखिए 2 और 8 और 10 की 0 1 कैरी, 1 और 6 7, 7 एंड 3 10। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया बच्चों 100 आ गया। तो देखिए 44 प्लस 100 तो आपका क्या हो जाएगा 144। इज इट क्लियर, यहाँ तक समझ में आया बच्चों। चलिए अब हम क्या करेंगे, आपको सम एक्सप्लेन करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, सम के अंदर हमें देखना है कि किस प्रकार से इसे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है यहाँ पे ए में, 837 प्लस 208 प्लस 363। तो यहाँ पर भी देखिए आपका यूनिट प्लेस 7 है, तो 7 में 8 प्लस कीजिए आपका कितना हो गया 15। देखिए पहले मैं करके दिखाता हूँ, यूनिट प्लेस से आप चेक कर लो कि आपका होगा कि नहीं 8, तो 7 और 8 आपका क्या हो गया 15। मीन्स ये डिजिट आपकी सेट होने वाली बच्चों नहीं है। अब देखिए अब यहाँ पे 7 और 3 लीजिए, तो देखिए 7 प्लस 3, तो 7 प्लस 3 कितनी हो गई आपकी 10। मीन्स यूनिट प्लेस क्या आ गया बच्चों 0। मीन्स फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट क्या हो गई इसके साथ सेट हो गई। तो देखिए हम राइट करेंगे यहाँ पे, पहले हम लिख सकते हैं बच्चों जो सेट नहीं हो रही उसको अलग लिख दीजिए, 208 प्लस, अब जो सेट हो रही है जिसका कॉम्बिनेशन बन रहा है उसे साथ में लिख दीजिए, 837 प्लस 363। ओके, तो देखिए 208 प्लस
अब इन दोनों को आपको प्लस करना है तो यहाँ कर लीजिए, अगर आपको नहीं पता हो बच्चों तो 837 और 363। तो देखिए 7 और 3 10, 10 की 0 1 कैरी, 1 और 3 4, 4 और 6 10 की 0 1 कैरी, 1 और 8 9, 9 और 3 12। तो आप देख रहे हो आपका जो प्लस है वो कितना हो गया 1200। तो यहाँ पे राइट कर दिए बच्चों 1200। चलिए अब क्या करना है, हमें इससे प्लस करना है 208, तो यहाँ पे लिख दीजिए 208। तो देखिए 8 और 0 8 हो गया आपका, 0 और 0 0, 2 एंड 2 4 एंड 1 का 1। तो आपका आंसर कितना आ गया बच्चों 1408। तो ये इसका क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया है। आपको समझ आ रहा होगा बच्चों। चलिए उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आप बरा देखिए, यहाँ पे भी देखिए कितने डिजिट दिए, 4 डिजिट दिए। कितने डिजिट दिए बच्चों, 4 डिजिट। यहाँ पर भी हमें सेट करके देखना है। तो देखिए फर्स्ट डिजिट क्या आपकी यूनिट प्लेस 2 है, सेकंड क्या है 3, तो प्लस करके देखिए तो 2 और 3 क्या होगा 5, मतलब फर्स्ट और सेकंड के साथ सेट नहीं होगी। देखिए उसके बाद फर्स्ट देखिए आपकी कितना है 2, और उसके बाद कितना है थर्ड में 8, तो 8 प्लस कीजिए तो 2 और 8 कितना हो गया 10, मतलब फर्स्ट डिजिट जो होगी और थर्ड डिजिट के साथ कॉम्बिनेशन मतलब रीअरेंजमेंट के फॉर्म में आ जाएगी। तो यहाँ पे राइट कर लीजिए, देखिए 1962 प्लस 1538। ओके क्लियर। उसके बाद देखिए ये डिजिट आपकी रिमेनिंग बाकी है 2 नंबर और 4 नंबर। तो यहाँ पर भी देखिए 2 में क्या है आपका 3, और 4 में क्या है आपका यूनिट प्लेस 7, तो 3 और 7 क्या हो गए 10, मतलब जो सेकंड नंबर होगा वो 4 नंबर के साथ सूटेबल हो जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग 453 प्लस 647। क्लियर बच्चों। अब यहाँ पर भी हमें क्या करना है, देखिए प्लस करना है। सबसे पहले हम प्लस करके देखेंगे 1962 प्लस 1538। सो 2 एंड 8 आपका क्या हो गया 10, 10 के 0 1 कैरीज, 1 एंड 6 7, 7 एंड 3 10, 10 0 1 कैरीज, 1 एंड 9 10, 10 और 5 15 5 2 कैरी। ओके सॉरी, यहाँ पे 1 और 9 10, 10 और 5 15, 15 की 5 1 कैरी था बच्चों, 1 और 1 2, 2 और 1 3। तो आप लोगों का इसका जो प्लस था वो कितना आ गया आपका 3500 प्लस। अब इसका प्लस करेंगे बच्चों हम लोग, देखिए 453 प्लस 647, ये हमारा प्लस है। तो देखिए 3 और 7 10, 10 की 0 1 कैरी, 1 एंड 5 6, 6 एंड 4 10 0 1 कैरी, 1 और 4 5, 5 और 6 आपका क्या आ गया बच्चों 11। तो यहाँ राइट कर दीजिए 11। उसके बाद अब इसका भी हमें प्लस करना है बच्चों। तो देखिए इजी ट्रिक से करेंगे, पहले यहाँ पे देखिए 0 तो 0 लिख दीजिए, ठीक है 20 है 20, तो दोनों को प्लस में जो दोनों में मिलते हैं उतने 0 हमें राइट करना है। उसका देखिए 1 और 5 आपका क्या हो गया 6, 1 और 3 आपका क्या हो गया 4। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर निकल गया है। चाहे तो आप इसे भी इसको प्लस कर सकते हो 3550 प्लस 1100। तो देखिए 0 0 0 फिर 0 0 0 5 और 1 6 और 3 और 1 4। तो इस प्रकार से भी आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, आप लोगों को अंडरस्टैंड हो चुका होगा। स्टूडेंट्स, जिस प्रकार से आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिखा था उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी हमें सूटेबल रीअरेंजमेंट करना है। तो सबसे पहले जैसे कि हमने वहां पर प्लस का देखा था, यहाँ पे आप लोगों को मल्टीप्लाई का देखना है। तो इसमें भी हमें क्या करना है, जैसे मैंने उसमें क्या समझाया था बच्चों आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में, कि आप लोगों को इस प्रकार से डिजिट को प्लस करना है जिससे आपका यूनिट प्लेस क्या आता हो, 0 आता हो। बट यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको वो डिजिटों को लेना है और उनका मल्टीप्लाई करना है जिससे आपका यूनिट प्लेस क्या बनता हो, 0 बन जाता हो। जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पर पहले ये एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चन जो आपको दिया है। जैसे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 1768 और मल्टीप्लाई क्या दिया है 50। तो सबसे पहले मैंने कहा आपको यूनिट प्लेस बच्चों देखना है, तो यूनिट प्लेस के बेस पे आप इसे क्या करोगे, समझोगे। तो यूनिट प्लेस आप देखोगे जैसे यहाँ पर 2 है तो यहाँ पे यूनिट प्लेस 8 है और यहाँ पे यूनिट प्लेस 0 है। तो अगर मैं 2 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपका आता क्या है बच्चों, 16, मतलब ये सेट हो रहा है आपका नहीं है। और 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 0 से, तो 2 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0। मींस ये 2 को हम किसके साथ सेट कर सकते हैं, 50 के साथ। तो देखिए
सबसे पहले हम ये डिजिट लिख देंगे बच्चों 1768, फिर देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, हाँ क्या करेंगे बताओ आप, नहीं पता, ठीक है। यहाँ पर किसके फॉर्म में सब दिया है, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे मल्टीप्लाई। उसके बाद देखिए, तो मैंने कौन से डिजिट को सेट किया, 2 को किया, और मल्टीप्लाई किससे किया, 50 से। क्यों किया, कि 2 को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट, तो 0 ही आ जाता है। अब देखिए 1768 मल्टीप्लाई, अब 2 को देखिए 50 मल्टीप्लाई 2 करके देख लीजिए, देखिए 2 को 0 से किया 2, और 2 5 10, ये हो गया। और मैंने आप लोगों को ये भी समझाया था बच्चों कि अगर किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई करना हो, और उसको अगर उस टाइप की डिजिट से मल्टीप्लाई करना है जहां पर 0 0 आपका होता हो, तो आपको बहुत इजी हो जाता है उसका मल्टीप्लाई करने का। देखिए तो हमें सबसे पहले क्या करना है, 1678 राइट करना है, और यहाँ पे देखना कितने जीरो हैं आपके, 2, तो यहाँ पे हमें राइट कर देना है 20, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए यहाँ पर देखते हैं बच्चों आपका क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट में आपको क्या करना है बच्चों, रीअरेंजमेंट मीन्स होता है 2 को हम किससे करेंगे, पहले 50 से। क्यों करेंगे, बिकॉज हमें क्या लाना है, पहले 0 लाना है। तो ठीक है, पहले वो डिजिट लिख देंगे 1678 मल्टीप्लाई। क्यों मल्टीप्लाई किया बच्चों, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑल डिजिट जो है मल्टीप्लाई के फॉर्म में राइट की गई है। देन हम राइट करेंगे 2 मल्टीप्लाई 50, क्लियर। अब उसके बाद हमें देखना है 1768। अब देखिए 2 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हम राइट कर देंगे 0, बिकॉज 0 का 0, और 2 5 आपका क्या हो जाएगा, 10, क्लियर। 2 5 क्या हो जाएगा आपका, 10। अब देखिए मैंने आपको कहा था कि कोई भी डिजिट हो जिससे अगर 0 से मल्टीप्लाई करना है, मीन्स पीछे 0 0 होते हो और आगे 1 हो, तो हमें क्या करना है, पहले जिससे मल्टीप्लाई करना वो डिजिट लिख लेना है, और उसके बाद जितने 0 हैं उससे आगे पुट कर देना है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर निकल जाएगा स्टूडेंट्स, क्लियर। आपको अगर समझ में आता हो तो कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइए कि हाँ सर हमें समझ में आ रहा है। सेकंड क्वेश्चन भी देखेंगे बच्चों, यहाँ पे देखो लिखा है 4 मल्टीप्लाई 1 6 6 मल्टीप्लाई 25। तो यहाँ पर भी देखो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ बच्चों कि 4 है यूनिट प्लेस, और यूनिट प्लेस से मल्टीप्लाई करना है। सपोज मैं 6 से करता हूँ, तो देखिये 4 6 क्या हो गया आपका, 24। यूनिट प्लेस आपका 0 आया नहीं, तो हम इसे राइट करेंगे नहीं। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट डिजिट को ले लो और लास्ट टर्म ले लिए 25, तो उसका यूनिट प्लेस क्या, 5। तो 4 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ बच्चों, ठीक है, 4 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आ जाएगा, 0। मीन्स यहाँ पर यूनिट प्लेस क्या आ गया आपका, 0। मीन्स फर्स्ट डिजिट को हम लास्ट डिजिट के साथ सेट कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए पहले हम राइट कर देंगे 1 6 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 25। अब यहाँ पे देखिए बच्चों 4 को 25 से पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर 25 को किससे कर दो, 4 से कर दो, बात वही है आपका। देखिए तो 4 5 बच्चों 4 5 कितना होता है आपको पता है, 20 20 की 0, 2 आपकी कैरी, 4 2 8 और 8 और 2 आपका कितना हो गया, 10। मतलब यहाँ पर भी आपका 100 आ गया। चलिए बच्चों तो देखिए बहुत इजी बन गया ना, आप तो 100 आ गया, तुम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। मैंने कहा था कि 10 हुआ, 100 हुआ, 1000 हुआ, 10000 हुआ, इस प्रकार की अगर डिजिट से मल्टीप्लाई करना है तो आपको कुछ नहीं करना होता है, बस ये डिजिट आगे लिख देना होती है बच्चों, और उसके बाद यहाँ पे डिजिट में जितने भी 0 है वहां पे आगे हमें पुट कर देना है। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, इसका भी आंसर हमारा आ चुका है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम यहाँ पे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो आपको क्वेश्चन में दिया 8 मल्टीप्लाई 291 मल्टीप्लाई 125। चलिए तो यहाँ पर भी देखिए 8 दिया है, यहाँ पे यूनिट प्लेस सबके मैं यूनिट प्लेस लिख देता हूँ पहले, चलो यहाँ पे यूनिट प्लेस 8, यहाँ पे यूनिट प्लेस 1, यहाँ पे यूनिट प्लेस 5। अब देखिए 8 को अगर मैं 1 के साथ करता हूँ तो 8 1 8 हो गया, मतलब ये हमारा सेट हो रहा नहीं है। अगर मैं 8 को 5 से करता हूँ तो 8 5 क्या हो गया, 40। मतलब यूनिट प्लेस आपका क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे 0। मीन्स यहाँ पर भी आप देखोगे कि कौन सी डिजिट 291 को हम एज इट इज राइट करेंगे, बिकॉज ये किसी के साथ कॉम्बिनेशन में नहीं आ रही है। मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 125। अब चलिए अगर आपको ये मल्टीप्लाई करना नहीं आता बच्चों तो यहाँ पे देखिए, चलिए क्या करेंगे, 125 मल्टीप्लाई 8 कैसे करेंगे देखते जाइए। देखिए 8 5 8 5 आपको पता है 40 होता है, 40 का क्या आ गया आपका, यहाँ पे 0, और 4 बच्चों क्या हो गई आपकी, कैरी।
एट टू जा 16 एंड प्लस 4 तो आपका क्या हो गया बच्चों 20, 20 की 0, 2 आपकी कैरी, 8 वन जा 8 और 8 और 2 तो आपका कितना आ गया यहाँ पे बेटा 10। मीन्स यहाँ मैंने कहा था कि आपकी डिजिट 10 हो, 100 हो, 1000 हो, तो मतलब जीरो वाले जो डिजिट हो और आगे 1 हो तो उसे मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी हो जाता है आपका। तो हम यहाँ राइट करेंगे 291 मल्टीप्लाई, अब 8 को 125 से किया तो आपका कितना आ गया था बच्चों 1000। तो देखिए इसे भी कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे 291 और पीछे कितने जीरो है 1 2 3 जीरो यहाँ पे हमें क्या कर देना है, पुट कर देना है। अंडरस्टैंड, समझ में आया बच्चों आपको? चलिए क्वेश्चन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर हमें बेटा क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है 625, ठीक है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में आपके 625 मल्टीप्लाई 279 मल्टीप्लाई 16, ये आपको दिया गया है। अब इसे हमें कैसे रीअरेंजमेंट के फॉर्म में लाना है, तो वही चीज आपको बार बार मैं समझा रहा हूँ बच्चों कि आप लोगों को क्या करना है। यूनिट प्लेस, जैसे यूनिट प्लेस इसका क्या है 5, ठीक है, यूनिट प्लेस क्या है सेकेंड का बेटा आपका 9 और इसका कितना है 6। अब चलिए वन बाय वन में मल्टीप्लाई करते, जैसे मैं इसको इसके साथ करता हूँ 5 को 9 से तो आपका क्या हो गया 45, ठीक है, मतलब यूनिट प्लेस आपका 0 आया नहीं। अब मैं 5 को अगर 9 के साथ 6 के साथ करता हूँ तो देखिए 5 6 जा तो बच्चों क्या आता है आपका 30, तो 30 जो होगा 3, ठीक है, 3 से आगे 0, ये आपका क्या हो जाएगा यूनिट प्लेस 0, मीन्स ये डिजिट आपकी सूट इसमें सेट हो सकती है। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे, देखिए कौन सी डिजिट हुई फर्स्ट वाले किसके साथ हुई, लास्ट वाले के साथ, मतलब 625 16 के साथ सूटेबल हो रही है, तो 279 नहीं हो रही है तो इसे हम क्या करेंगे बाहर निकाल देंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ राइट करेंगे 625 मल्टीप्लाई 16, ठीक है। अब आप लोगों को मल्टीप्लाई तो करना आता होगा बच्चों, चलिए नहीं आता है कोई बात नहीं, हम आपको यहाँ पे समझाने वाले हैं, मल्टीप्लाई करके आपको समझाते हैं कि किस प्रकार से इसे सॉल्व करोगे। देखिए यहाँ पे आपका है 625, उससे हम मल्टीप्लाई किससे करने वाले हैं 16 से, किससे करने वाले हैं बच्चों 16 से, 16 से हमें इसका करना है मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए अगर आप चाहते हो तो यार 16 से कर लो, या अगर आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे वन बाय वन इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले करेंगे 6 को 5 से, तो 6 5 आपका होता है 30, 30 की 0, 3 आपकी कैरी हो गई, 6 2 जा 12 और 3 15 की 5 1 कैरी, 6 6 जा 36, 36 एंड 1 37, क्लियर। देन हम करेंगे बच्चों 1 को 5 से, तो 1 5 जा 5, 1 को 2 से 2, 1 को 6 से 6, अब हम क्या करेंगे बच्चों इसका प्लस कर देंगे, तो देखिए 0 5 और 5 10, 10 की 0 1 कैरी, 1 एंड 7 8, 8 और 2 10, 10 की 0 1 कैरी, 1 एंड 3 4, 4 एंड 6 10, तो हमारा कितना आ गया बच्चों 10,000, क्लियर। तो यहां पे हम राइट करेंगे 279 मल्टीप्लाई 10,000। अब यहां पर मल्टीप्लाई करना बहुत इजी हो गया इसका बच्चों, क्या करेंगे, मैंने आपको कहा था कि मल्टीप्लाई अगर हमें 10 से करना हो, 100 से करना हो, तो आगे हमें क्या करना है, पहले ये डिजिट राइट कर देनी है 279, देन इससे हमें मल्टीप्लाई करना, तो पहले लिख लीजिए, चलो वन टाइम वापस मैंने लिख लिया है, ठीक है, फिर लिखेंगे 279, यहाँ पे कितने जीरो 1 2 3 एंड 4, तो 1 2 3 एंड 4 आपको क्या मिल गए इसके जीरो मिल गए, तो इस प्रकार से आपको ये भी क्या हो गया आपका सॉल्व हो चुका है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर ई आपका देखेंगे, यहाँ पे आपको देखिए यूनिट प्लेस क्या दिया है 5, देन सेकंड में 5 दिया है और लास्ट में क्या दिया है 0, ठीक है। अगर मैं 5 को 5 से करता हूँ बच्चों, फर्स्ट डिजिट को सेकंड डिजिट के साथ करता हूँ, तो क्या आता है आपका 25, ठीक है, या फिर यहाँ पर देखिए 5 को अगर मैं 0 से करता हूँ तो भी 0 आता है, और 5 को 0 से करता हूँ तो भी 0 आता है, मीन्स आप इसमें से कोई भी डिजिट से मल्टीप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आप देखिए 5 है और यहाँ पे 60 है, तो ये डिजिट आपकी ज्यादा बेटर यहाँ पे लग रही है, बट आप यहाँ पर भी 5 को 0 से कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो यहाँ पे चलिए यहाँ पे हम राइट करेंगे बच्चों 285, ठीक है, क्या राइट करेंगे बच्चों 285, ठीक है, उसे हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे 5 इंटू 60 से, तो देखिए 285 हो गया आपका,
ठीक है, कितना हो गया बेटा 285। अब 5 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 0 का 0 लिख दीजिए, 5 को 6 से किया तो आपका कितना हो गया बच्चों 300, कितना हो गया आपका 300। अब हमें क्या करना होगा, देखिए अब तो सर देखिए आप तो 10 का बोल रहे थे 100, लेकिन यहाँ पे तो 300 आ गया, तो अब हमें क्या करना होगा बच्चों, ठीक है इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ राइट करेंगे 285, अब उससे हम मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं 300 से, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप 300 से। ऐसा मान लीजिए यहाँ पे 0 नहीं है, 0 यहाँ पे मैंने ऐसे ही राइट कर लिया, ठीक है यहाँ पे मैंने कैंसिल कर दिया। उसके बाद हम राइट करेंगे 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15, 15 के 5 1 कैरी, 3 8 जा 24, 24 और 1 25, 25 की 5 2 कैरी, 3 2 जा 6, 6 और 2 8, तो आपका कितना आ जाएगा बेटा 85,500, कितना आ गया आपका 85,500। तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा 85,500। क्लियर हो गया आप लोगों को बच्चों। एंड लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का बचा है बच्चों यहाँ पे, उसे भी हम सॉल्व करा देते हैं आपको, ठीक है। क्वेश्चन में आपको क्या दिया है 125, ठीक है क्या दिया हुआ है 125 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 8 और मल्टीप्लाई 25। देखिए यहाँ पर बच्चों आपको 4 डिजिट प्रोवाइड किए, कितने डिजिट प्रोवाइड कर दिए 4 डिजिट प्रोवाइड कर दिए। अब 4 डिजिट को हम सॉल्व कैसे करेंगे ये बड़ी बात हो गई आपको, तो वही चीज हमें याद रखनी है, ठीक है। जैसे कि हमें क्या देखना है बच्चों, मल्टीप्लाई करते जाना है, जीरो के फॉर्म बनाते जाना है, अगर जीरो बनता है तो उसको उसके साथ कर देना है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर आपको 125 मतलब यूनिट प्लेस क्या लिखा हुआ है 5, यहाँ पर 40 मतलब यूनिट प्लेस क्या लिखा है 0, यहाँ पे कितना लिखा है बच्चों 8 और यहाँ पे लिखा हुआ है 5। अब यहाँ देखिए अगर हम चाहे तो इससे बहुत अलग अलग तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है बहुत ईजी है, कोई हार्ड नहीं है आपके लिए। चलिए देखिए बच्चों अगर हम 5 को 0 से करते हैं तो आपका क्या आ जाएगा 0, ठीक है 5 को अगर हम 8 के साथ करते तब भी आ गया 40 मतलब 0, 5 को 5 के साथ करते तो आपका 25, मतलब ये फर्स्ट का लास्ट के साथ तो सेट नहीं हो सकता, तो हम फर्स्ट को सेकंड के साथ भी कर सकते हैं और थर्ड के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं बच्चों कि 125 उसको अगर हम थर्ड के साथ करते हैं, ठीक है जैसे यहाँ पर 125 मल्टीप्लाई 8, तो देखिए 8 5 जा 40, 40 की 0 4 कैरी, 8 2 जा 16, यहाँ पे देखिए 8 5 जा 40 था 4 हो गया था, 8 2 जा 16, 16 और 4 20 की 0 टू कैरी, 8 1 जा 8 और आपका कितना हो गया 1000। तो देखिए ये डिजिट को इस डिजिट के साथ किया तो कर देते हैं 125 मल्टीप्लाई क्या कर दिया 8, उसके बाद बची कितने डिजिट 2 डिजिट तो उसे भी राइट कर दीजिए 40 मल्टीप्लाई 25। चलिए तो देखिए 125 को अगर हमने 8 के साथ किया था बच्चों तो आपका क्या आ रहा था आंसर में, याद है आपको, हाँ यहाँ पे देख लीजिए कितना आया था आपका 1000, तो यहाँ पे राइट कर दीजिए 1000 मल्टीप्लाई, अब 40 को हम 25 से करेंगे तो देखिए 40 मल्टीप्लाई 25, तो देखिए 0 का 0, 5 4 जा 20 क्लियर, 2 को 0 से गया 0, 2 4 जा 8, तो यहाँ पर भी अब देखो बच्चों कितना आ गया आपका 1000, तो यहाँ पर हम भी लिखेंगे 1000। अब देखिए 1000 को 1000 से करेंगे, जीरो वाली प्लेस वैल्यू है तो हम क्या करेंगे पहले जीरो लिख देंगे, यहाँ पर जितने जीरो उतने लिख दिए, यहाँ पर कितने जीरो 3 0, तो 3 0 ऐड कर दो 1 2 एंड 3, तो ये बच्चों आपका क्या हो गया आंसर आ चुका है, क्लियर हो गया आपको।